नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बारे में। और आज अनंत राधिका के मंगल उत्सव में बताते चले कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के 7 जन्मों के बंधन में बन चुके हैं। दुनिया ने इस ग्रैंड वेडिंग की भव्यता और भारतीय संस्कृति के अद्भुत मेल को देखा। अनंत और राधिका के शानदार शादी समारोह में देश दुनिया के मेहमान इस जश्न की जान बन गए, साथ ही दूल्हा और दुल्हन को शुभाशीष दिया। इस ग्रैंड वेडिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शामिल होकर अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। अनंत और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो चुके हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शानदार शादी समारोह के बाद कल शुभ आशीर्वाद समारोह हुआ। आशीर्वाद सेरेमनी में जहां देश विदेश के शाही मेहमानों ने शिरकत कर नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया, वहीं इस ग्रैंड वेडिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शामिल होकर अनंत और राधिका को आशीर्वाद दिया। अनंत और राधिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके बड़े बेटे आकाश और बेटी ईशा भी साथ में दिखाई दी। सबसे बड़ी शादी का सबसे बड़ा जश्न जारी है। देश और विदेश के शाही मेहमान इस आलीशान शादी में तो शरीक हुए ही, साथ ही आशीर्वाद सेरेमनी में भी शामिल हुए। अनंत और राधिका 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधे। कल आशीर्वाद सेरेमनी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने नए जोड़ों के सिर पर हाथ रखकर शुभाशीष दिया, तो वहीं अनंत अंबानी ने भी पैर छूकर पीएम मोदी का आशीर्वाद लिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भव्य विवाह समारोह में कई धार्मिक गुरुओं ने शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने आध्यात्मिक गुरुओं का उत्साह के साथ भी स्वागत किया, जिसके बाद में अंबानी परिवार को शंकराचार्य जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शुभ आशीर्वाद समारोह के दौरान एक और बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य को प्रणाम किया और उसके बाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशीर्वाद स्वरूप अपने गले से निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहना दी। अंबानी परिवार ने संत समाज, योग और अध्यात्म से जुड़े कई हस्तियों को इस समारोह में आमंत्रित किया था। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अनंत राधिका की शादी में शिरकत की। इस दौरान नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने उनका आशीर्वाद भी लिया। नीता और मुकेश अंबानी दोनों ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से बातचीत करते हुए भी दिखे। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री भी अनंत अंबानी को आशीर्वाद देने पहुंचे। अंबानी परिवार की सनातन धर्म में गहरी आस्था है, जिसकी झलक अनंत और राधिका की शादी में भी दिखाई दी। राधिका मर्चेंट ने आशीर्वाद समारोह में गुलाबी रंग का लहंगा पहना। गुलाबी रंग के लहंगे में राधिका मर्चेंट बेहद खूबसूरत लग रही थी। खबरों के मुताबिक राधिका के लहंगे पर इतावली कैनवास पर रियल गोल्डन जरदोजी का काम हुआ है। राधिका की ड्रेस में मूर्तिकार जयश्री बर्मन की पेंटिंग भी बनी थी और इस लुक को सबसे यूनिक बना रहा था राधिका ने आलीशान लहंगे के साथ में सफेद मोतियों वाला हरे रंग का हार सेट भी पहना। इससे पहले वरमाला की रस्म के लिए राधिका ने गुजराती दुल्हन की तरह व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन को चुना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। विदाई में राधिका ने लाल सुर्ख बनारसी ब्रोकेट लहंगा पहना था।
उधर एक्टर अनुपम खेर ने भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अनुपम खेर ने भव्य आशीर्वाद सेरेमनी की वीडियो शेयर की और वीडियो में हिंदू रीति रिवाज की कुछ झलकियां पेश की गयी। अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अनंत राधिका वेडिंग का ये कितना शानदार गरिमामय और पवित्र आशीर्वाद समारोह था। समारोह में दुनिया भर से आयनों के सामने भारत की वैदिक और सनातनी परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया।